तो इस प्रोसेस में एक दिन भी लगता है, दो दिन भी लग, एक तो फिल्म की जो कास्टिंग है वो हर किसी को नहीं दी जाती है, क्योंकि हम रैंडमली किसी का भी ऑडिशन नहीं कर लेते। देखिए, टीवी का प्रोसेस और फिल्म्स का प्रोसेस अलग होता है कास्टिंग का। टीवी में क्या होता है कि कास्टिंग डायरेक्टर आपको बुलाता है, या आप जाते हैं प्रोडक्शन हाउस में तो कास्टिंग डायरेक्टर आपको एक स्क्रिप्ट दे देता है, आप ऑडिशन देते हैं। तो होता क्या है, उसके बाद का प्रोसेस मैं बताता हूँ। उसके बाद कास्टिंग डायरेक्टर के ऊपर एक पोस्ट है, असिस्टेंट क्रिएटिव हेड, ACH बोलते हैं हम उसको। तो जैसे आपका नाम क्या है? टिया। आपका नाम? प्रेमलता। तो मैंने अगर ऑडिशन लिया टिया और प्रेमलता का, तो मैं प्रेमलता और टिया और इस बच्ची का, व्हाट इज योर नेम बेटा? अंजलि। इन तीनों का ऑडिशन मैं भेजूंगा क्रिएटिव, असिस्टेंट क्रिएटिव के पास। तो असिस्टेंट क्रिएटिव उनमें से, इन तीन में से दो का सिलेक्शन करेगी, या तीनों का कर लेगी मान लो। अब ये ऑडिशन जाएगा क्रिएटिव डायरेक्टर के पास, CD बोलते हैं हम उसको। उसमें से ये दो सिलेक्ट होंगे या ये दो सिलेक्ट होंगे, कोई भी दो हो सकते हैं, जो भी क्रिएटिव डायरेक्टर को अच्छा लगेगा। अब दो जो सिलेक्ट होंगे वो जाएंगे चैनल में। अब चैनल वाले डिसाइड करेंगे, वहाँ जो क्रिएटिव बैठा है वो डिसाइड करेगा कि उस कैरेक्टर के लिए ये फिट है कि ये फिट है। तो दोनों में से जो फिट होगा वहाँ से आएगा मेल, आएगा ओके कास्ट दिस गर्ल और दैट गर्ल। तो इस प्रोसेस में एक दिन भी लगता है, दो दिन भी लगते हैं, पाँच भी लगते हैं, दस दिन भी लगते हैं, डिपेंड करता है चैनल के रिवर्ट पर। और हो सकता है कि ये तीनों रिजेक्ट हो जाएं, ऐसा भी होता है कि चैनल तीनों को रिजेक्ट कर दे, फिर हमें और ऑप्शन भेजने होते हैं। तो जब तक चैनल सेटिस्फाई नहीं होता तब तक हमें ऑप्शन देने पड़ते हैं। फिल्म में क्या होता है, एक तो फिल्म की जो कास्टिंग है वो हर किसी को नहीं दी जाती है, जो रेप्यूटेड लोग होते हैं, जो सीनियर लोग होते हैं, उन्हीं को दी जाती है। टीवी में कास्टिंग डायरेक्टर एक तरह से आप ये कह सकते हो कि एक कोऑर्डिनेटर की तरह है, जो ऑप्शन देता है, दैट्स इट। पोस्ट है कास्टिंग डायरेक्टर की, डायरेक्टर लगता है उसके भी पोस्ट पर, लेकिन उतनी वैल्यू नहीं है उसको। लेकिन फिल्म्स में प्रोडक्शन भी और डायरेक्टर भी पूरा फेथ करते हैं कास्टिंग डायरेक्टर पे। तो हम जैसे एक कैरेक्टर के लिए ऑप्शन देने हैं, ऑप्शन मतलब एक कैरेक्टर में हमें 10 ऑडिशन देने हैं, तो वो 10 ऑप्शन हो गए। तो वो हम डायरेक्टर को दिखाते हैं, और उन्हीं 10 में से कोई ना कोई एक लॉक हो जाता है, क्योंकि डायरेक्टर को हमारे ऊपर फेथ है कि हाँ, हम जो दिखा रहे हैं उसमें से ये एक अच्छा है। क्योंकि हम रैंडमली किसी का भी ऑडिशन नहीं कर लेते हैं, और अगर कर भी लेते हैं तो उसमें से पहले हम खुद ही शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस तो हमारे पास भी है ना यार, डायरेक्टर तो हमारे पोस्ट के पीछे भी लिखा हुआ है, कास्टिंग डायरेक्टर। तो ये प्रोसेस है।